और गाइस आज जमा रहे हम नींबू का अचार और मम्मी बनाएगी हमारे लिए अचार और हम लेके जाएंगे माधवपुर। अरे तो को बकस दिया। अभी मम्मी ने थोड़ी सौंप ली है, पहले इसको पीसेगी थोड़ी बहुत। और चीनी है, ये देखो ये चीनी है, इतनी सारी चीनी डालेगी, मीठा वाला अचार बनाएगी, रस वाला। अब क्या क्या ऐड करेगी मम्मी? काई ये रहा काला नमक, ये पकड़ो, ये रहे नींबू। नींबू का रस बहुत देरों में चढ़ के चुका है, सब ने सब घर वाले लग गए, ये बताओ हम। और इतना सा नींबू का रस निकला, नींबू का रस कम पड़ेगा भाई, क्योंकि नींबू ना छोटे छोटे थे, उनमें रस ही नहीं निकला। काला नमक तो डाल दो मम्मी, और मैं कम पड़ेगा तो मैं डाल लूंगी नहीं। और मेथी ये डाल दी मम्मी ने, हल्दी 3 चम्मच के करीबन हल्दी डाली उसमें। और तो मम्मी जमाई, बहुत अच्छा अचार जमाती है। मेरे को मम्मी का हाथ का अचार अच्छा लगता है, किसी का हाथ का अचार मैं नहीं खाती हूँ, बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है मुझे। और ये डाल दी मम्मी ने मेथी थोड़ी सी, तेरे हिसाब से देख ले। ये मेथी डाल दी मम्मी ने, ये डाल रही है गरम मसाला। गरम मसाला ज्यादा मत डालना, दिलकुश देखना गरम मसाला, गरम मसाला यार रुपया डाल दीजिए यार, बीजे भगवान कसम रुपया को नहीं, मम्मी कसम ने तो सोच रही हो कर बाग पे रिचार्ज को नहीं है ये मम्मी डालेगी। अब हींग, हींग को पीस के रख रखा है, पहले से पीस दिए मम्मी ने हींग को। मम्मी सगन मेरा होगा बीजे एक सगन ले, ये देखो भाई तो लग जाएगा। मैं पहले 20 का लाते में रुपया को नहीं, वे भी चल मिर्ची देख सीमा का कम रहेगी मिर्ची मम्मी, और ऐड कर। वैसे भी सुहानी खाएगी, ज्यादा मिर्ची खा नहीं सकती वो, बच्चे के लिए अचार है, हम तो कभी कभी लेंगे। देखो नाके नहीं आई फिर भी गोरी लग रही है सीमा, मेरे को लगा मुंह धो लिया। अब क्या ऐड करेगी मम्मी? 2 BH में 1 BH में सेंधा नमक तो नहीं है, बदरी जरूर देख रहे हैं सेंधा नमक, ये डाल दे नमक। ये सीमा सेंधा नमक और डाल रही है, ये लो सेंधा नमक। नमक की तरह पट गए सुबह का नुकसान बात करे डाल दी मम्मी ने शक्कर, चीटी तो नहीं है मम्मी, चीटी देख लेना, शक्कर तो डाल दे, शक्कर तो डाल दे, शक्कर मीठा लगे ऊपर से डाल दी, कोई दिक्कत नहीं। हम चीटी देख ले मम्मी, खजा सब यो सब खजा, हमको चीटी खुआ रही है, धर्म भ्रष्ट कर रही है हमारी मम्मा हमारा। ये लो रस फैल गया ना तो पूरा चार जम जाएगा एकदम से। ये देख ले नमक तो नींबू में नमक बाद में भी डला खावे, नमक तो पी जावे, नमक तो डाल दे, मतलब खट्टो खावे नमक को। और डाल दो नमक तो, वाला गल्ला बहुत नींबू देखी मिला लेती बड़ी है सुन रहे, और मिला दू छुटकी तो है सुनी रही खाई, और तबियत भी सही कुन खा सब्जी। और गाइस मैं आ गई हूँ नंदपुरा गांव से सवाई माधवपुर, और भैया मैं गई थी वजन बढ़ाने के लिए, लेकिन मुझे लगता है मेरा वजन घट चुका है, पता नहीं क्यों, खाया पिया खूब था लेकिन लगा नहीं मेरे शरीर में। और आज आते ही मैंने बनाई है पनीर की सब्जी, मैंने नहीं बनाई मतलब सुहानी के पापा ने बनाई है, लेकिन मुझे अच्छी लगती है पनीर की सब्जी, मैं पनीर की सब्जी बनाई है आज। और ये देखो ये बनाई है मटर पनीर, कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। आज मेरे भैया ने भी मटर पनीर बनाया है, वैसे वो पनीर बनाता रहता है, उसकी तो कोई वो ही नहीं है। और ये सुहानी ने पहले ही खाना खा लिया, ये ना पनीर की सब्जी नहीं खाती है भाई, ये सब्जी खाती ही नहीं है, छोटू तो जमे बिल्कुल भी सब्जी खाता ही नहीं है, वो तो मुंह के लगाता ही नहीं सब्जी। हेलो मैम,
सब्जी क्यों नहीं खाता? नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाएगी? मेरा दोस्त है, किसके लिए नहीं खाएगा, मैं खाऊंगा ना सब्जा। ओह कितना बोलता है ये बाबू। क्या बोला था ना? क्या वो क्या वो क्या बोला इसने? वो मेरी फ्रेंड है ना, खा फ्रेंड है। तो चौचल है। मुझे लग रही है बहुत तेज भूख, मेरे से शब्र नहीं हो रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी से खाना खा लेती हूँ। ये देखो मैंने रोटी तोड़ ली है और भैया खाने लग गई हूँ मैं खाना। और गाइस सब बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और मैंने ना वीडियो अभी जस्ट मैंने अपलोड कर दी है। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ भाई, प्लॉट में अपनी साग सब्जियों में मैं पानी देने लग रही हूँ। ये देखो कोई पालक में दे दिया, धनिया में दे दिया, इधर भी लग रहा है। और कुछ कार्यक्रम और भी किया मैंने, मेरे चकुंदर थे ना वो अच्छे से हो नहीं रहे थे गाइस, ये देखो। तो मैंने मेरे चकुंदरों को उपाड़ उपाड़ के फिर दोबारा लगाया यहाँ से ताकि ये अच्छे से फूट कर सके। और ये रही जो मैं गांव से लेके आई थी मिर्ची की पौधे, तो इनमें मैं मिर्च लगाने वाली हूँ, तो इनको उखाड़ती हूँ मैं यहाँ से और दूसरी कारी में ट्रांसफ़र करती हूँ उनको। ओ वाह ये तो उग भी रही है देखो, मतलब यहाँ ही हो जाती मिर्ची। तो मैं सोच रही हूँ यार ना शरणा खा करूँगी मैं अलग से, तो ना मैं इसमें ही लगा देती हूँ अपने प्याजों में, बगल बगल लगा दूँ तो कैसा रहेगा? मेरे ख्याल से बढ़िया रहेगा। और वैसे भी थोड़ी सी ज़मीन तो ये बची रही है, 10-15 तो इसमें ही आ जाएगी इतनी सी जगह में। और ना बाकी की मैं थोड़ा ये प्याजों को हटा हटा के इसमें लगा दूँगी यार, खा करूँगी तो जगह आ जाएगी। मिर्ची तो ऊपर होएगी, प्याज नीचे बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं वैसे, है ना। कैसा गाइस दिमाग बहुत है मेरे अंदर। ये देखो यहाँ पे मैंने एक ही श्रेणी में कितनी सारी साग सब्जी बो दी। देखो मूली हो रही है, चुकंदर हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहे आलू, और ये देखो मेरे आलू बैठ भी चुके हैं, कोई देख लेगा तो उखाड़ के ले जाएगा, इस वजह से ढक देती हूँ मैं। और देखो यहाँ पे मैंने बा रखी है पपीता, धनिया, टमाटर, मतलब इतनी सी जगह में मैंने बहुत सारी चीज़ बो दी है। ये देखो बिल्कुल हरी भरी हो रही है मेरी खेती बाड़ी। और ये कुछ मेरे चुकंदर इतने बड़े बड़े हो चुके हैं, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं मेरे चुकंदर। तो मैं ना साग सब्जी लगा लेती हूँ पहले, ओके मिर्ची लगानी है आज तो मिर्ची लगा लेती हूँ।